सो हाय एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का, सेविकाओं सहायिकाओं का फिर से एक इन्फॉर्मेटिव और एक नए वीडियो पर स्वागत है। फाइनली आंगनवाड़ी वर्कर्स से सरकार के द्वारा इतना काम लिया जाता है। बहुत बार इसकी चर्चा संसद में की गई है, बहुत सारे विधायकों ने, सांसदों ने इसकी बात जो है सरकार के समक्ष उठाई हुई है। फाइनली आंगनवाड़ी मानदेय को बढ़ाने के संबंध में आंगनवाड़ी कर्मचारी, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ ने जो है इसके संबंध में आवाज बुलंद करते हुए इसका जो है विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स जिस हिसाब से काम लिया जाता है और सामान और मानदेय जितना कम दिया जाता है वो उचित नहीं है। चलिए चलते आपको खबर कर दिखाते हैं कहाँ की खबर है, किस प्रकार मांग उठाई गई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पूरी खबर को आप सभी सेविका सहायिका जरा ध्यान से देखिएगा। ये बिहार के बांका जिले की खबर है। लिखा गया बैठक में मानदेय बढ़ाने पर चर्चा की गई। अब देखिए पूरी खबर लिखा गया, बांका के तारा मंदिर में रविवार को आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका संघ की बैठक उपाध्यक्ष मंजू देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप संघ के जिलाध्यक्ष कल्याणी सिंह शामिल हुए। बैठक में मानदेय बढ़ाने के साथ साथ कई बिंदुओं पर चर्चा किया गया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि सरकार नई शिक्षा नीति से सेविकाओं को जोड़ा गया है, लेकिन व्यवस्था धरातल में नहीं उतरी है। सेविका को नए व्यवस्था के आधार पर किताब उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं दी गई है। नए नियम के अनुसार सेविका के लिए इंटर पास, सहायिका के लिए मैट्रिक पास होना जरूरी है, लेकिन सरकार मानदेय पर चर्चा नहीं कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि योग्यता तो है, जो नई बहाली के लिए जो है वो योग्यता तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब चूंकि ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा मेरिट पर आंगनवाड़ी वर्कर्स की नियुक्ति होगी, लेकिन फिर भी उस हिसाब से मानदेय और पेमेंट बढ़ाने की चर्चा नई बहाली के लिए भी निकल के सामने नहीं आ रही है। उन्होंने बताया कि ईंधन की राशि में बढ़ोतरी की मांग है, जबकि पोषाहार के हिसाब से बर्तन उपलब्ध कराने की मांग की गई है। कहा कि शहरी क्षेत्र की सेविका को अन्य जिलों की तरह 3 से 4 हज़ार रुपये किराया उपलब्ध कराया जाए, जबकि बांका में मात्र 1 हज़ार रुपये किराया मिल रहा है। मैंने आपको लगभग आज से 6 महीने या 1 वर्ष पहले बताया था कि आंगनवाड़ी केंद्र का किराया शहरी क्षेत्रों में मैक्सिमम 4 हज़ार और ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 से 1 हज़ार रुपये होता है, लेकिन वह किराया उस क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है और किस प्रकार की सुविधा वाले केंद्र पर आपने जो किराया लिया हुआ है वो उस पर डिपेंड करता है। हालांकि बहुत ही रेयर होता है कि कहीं पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है 3 हज़ार या 4 हज़ार रुपये प्रति महीने किराया मिलता हो, मैक्सिमम जगहों पर 1000-1500 ही मिलता है। कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर सभी सेविका और सहायिका अगले महीने से आंदोलन कर सरकार तक बात पहुंचाएंगे। कहा कि सेविका और सहायिका से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम दोनों तरीके से कार्य लिया जाता है, इसके इवज में उचित मानदेय तक नहीं मिलता है, मजदूरी के बराबर भी मानदेय नहीं है। उन्होंने सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग के मौके पर कई सारे लोग और आंगनवाड़ी वर्कर्स उपस्थित थी। देखिए ये बात सही है कि मांग जो है बिल्कुल सही है, बहुत सारे काम कराए जाते हैं, लेकिन सिर्फ छोटे मोटे आंदोलन धरना प्रदर्शन करने से नहीं होगा। दिल्ली जैसे, राजस्थान जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स के जो है के साथ में मिलकर के वहाँ पर न्यायालय के जैसे उन्होंने रुख अख्तियार किया है, वैसे न्यायालय में जाकर, कोर्ट में जा करके ये चीज़ों को अपने हक में लड़ना होगा। तो उम्मीद है आज के वीडियो से आपको कुछ जानने सीखने को मिला होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।